अस्सलाम वालेकुम आज हमारी बाईसवीं मुलाकात है और ये एसेंशियली कोर्स का मिड पॉइंट है मैंने कहा था पिछली दफ़ा हम बिट वाइज ऑपरेटर्स जब कवर कर रहे थे कि जी एक छोटा सा एरिया रह गया है उनको कवर करते चलते हैं सो लेट्स कवर दैट फर्स्ट दैट वाज अबाउट बिट वाइज मैनिपलेन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स नाइस थिंग विद सी एंड सी प्लस प्लस दीज लैंग्वेजेस आर वेरी लॉजिकली कंस्ट्रक्टेड याद होगा आपको कि हम कहते थे ए इज़ इक्ल टू ए प्लस वन इंक्रीमेंट करने के लिए फिर हमें पता चला कि जी ए प्लस इक्वल टू वन भी लिखा जा सकता है विच इज़ एड एंड असाइन सो ए इज़ इक्ल टू ए प्लस वन का शॉर्ट हैंड वॉज ए प्लस एकवल टू वन द सेम थिंग अप्लाइज़ टू बिट ऑपरेटर्स कि वी हैव एंड का असाइनमेंट ऑपरेटर वी हैव और का असाइनमेंट ऑपरेटर वी हैव एक्सक्लूसिव आर और का असाइनमेंट ऑपरेटर लिखने का तरीका उसका बिल्कुल वही सिमिलर है जो पहले हम लिखा करते थे सो so एग्जैक्टली exactly, जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ लिखते थे अगर हम लिखना चाहें ए इज़ टू ए एंड बी जहाँ पे एंड जो है वो बिट वाइज ऑपरेटर है यानी सिंगल एम परसेंट है तब उसका हमारे पास शॉर्ट हैंड है हम लिखते हैं एम परसेंड टू बी सो व्हेन वी राइट ए एंड एकवल टू बी इज़ द सेम एज़ राइटिंग ए इज़ इक्वल टू एंड बी सेम अप्लाइज टू और सो वी राइट ए और इक्वल टू और का याद हो सिंगल पाइप सिम्बल है डबल नहीं है कन्फ्यूज़ नहीं होना वो लॉजिकल और था बिट वाइज के लिए एगल और एक बी मीन्स ए इज़ एक टू ए और बी इसी तरीके से ए कैरट एक बी मीन्स ए इज़ एक टू एक्सक्लूसिव और बी ये तीनों ऑपरेटर्स जो हैं कम्पाउंड ऑपरेटर्स हमें अवेलेबल हैं सो वी कैन यूज़ देम एज अ शॉर्ट हैंड याद रहे नॉट ऑपरेटर जो था वो यूनरी था यानी किसी नंबर को इन्वर्ट करने के लिए हम वो टिल्डा लगाते थे उससे पहले एंड दैट वाज द नॉट ऑपरेटर उसका कोई असाइनमेंट ऑपरेटर उसके साथ नहीं है एनीवे वे देट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस आई दैट देयर आर दीज असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड दे आर वेरी सिमिलर टू दसाइनमेंट ऑपरेटर्स डेट वी यूज विद द ऑर्डनरी अरेथमेटिक ऑपरेटर्स ना कम्स द फन स्टफ What इज़ द फन स्टफ़ आपको पता है मुझे भी पता है अब आपका मिड टर्म आने वाला है बहुत सारे टॉपिक्स हमने इंट्रोड्यूस किए तकरीबन हर लेक्चर में एक नया ऑपरेशन एक कॉन्स्ट्रक्ट इस तरह की चीज़ हम ऑपरेट करते गए एंड आई एग्री दैट इट्स अ लॉट ऑफ थिंग टू लॉट ऑफ थिंग्स टू एसेमलेट दिमाग में उतारने के लिए ना, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं लेकिन मुश्किल नहीं है और मुझे कंप्लीट कॉन्फिडेंस है कि जी आप लोग जो हैं वो बहुत मेहनती हैं और आपने बीच में प्रैक्टिस की होगी और आपने ये बहुत कुछ सीख लिया होगा मैं बताता चलूँ कि जी हमारा पर्सपेक्टिव हमारा नहीं कहना चाहिए मेरा पर्सपेक्टिव ज़रा सी सीरियस बात है लेकिन वी सिंपली नाउ हैव नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू वर्क हार्ड एज स्टूडेंट्स मेरा उस्ताद होते थे वो हमें कहा करते थे From students we expect that they don't sleep, don't eat, they So if you think about it, if I take that perspective, then you have lots of time. Lots of time to review all of the stuff that we have taught you so far. And that is going to come up in the midterms. The perspective again is not to trip you up, not to catch you out, not to find out what you don't know. There's a lot of things that I don't know. एवरी बॉडी इज़ इन अ लर्निंग फेज़ ऑल थ्रू आउट वन लाइफ हम ये चाह रहे हैं कि हम ये देखें कि जी आपने अभी तक क्या सीखा है आपका स्किल सेट कहाँ तक डिवेलप हो गया है और उसको हम फाउंडेशन बना के आगे चलें हालाँकि हमारा एम्फोसिस जो है वो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज पर रहा है लेकिन एक अंडर करेंट जो था वो इस कोर्स का टाइटल है विच इज़ इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हम चाह रहे हैं कि जी आप प्रोग्रामिंग अच्छी तरह सीख जाएँ उसकी कॉन्स्ट्रक्ट अच्छी तरह सीख जाएँ लैंग्वेज जो है वो फिर सिंटैक्स बन के रह जाती है आज सी है या सी प्लस प्लस है कल को कोई नई लैंग्वेज आ जाएगी डी आ जाएगी ई e आ जाएगी एफ आ जाएगी वॉट एवर लैंग्वेज यू शुड नॉट फील स्केयर्ड ऑफ द न्यू लैंग्वेज ऑल दे शुड मीन टू यू इज़ कि जी एक और किताबचा आ गया इसमें नया सिंटैक्स पढ़ा हुआ है एफ स्ट्रक्चर ये मुझे तो ईफ स्टेटमेंट का पता है इस लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं लूप मुझे पता है जी लूप्स क्या होती हैं लेट्स सी इस लैंग्वेज में कैसे लिखी जाती हैं एंड सो ऑन सो यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट फंक्शंस हैं एंड सो ऑन सो वट वी प्लान टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ टूडेज़ लेक्चर इज़ टू बेसिकली रिव्यू कि हम कहाँ से आए और किधर को गए और क्या क्या स्किल्स या टूल्स जो हैं वो हमने मास्टर किए सो लेट्स टेक एट दैम वन बाई वन सब से पहले हमने डिज़ाइन रेसिपी का जिक्र किया था डिज़ाइन रेसिपी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जी कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम हो वो टिपिकली रियल वर्ल्ड से बिलोंग करता है पे रोल बना दो ये कैलकुलेट कर दो वो कैलकुलेट कर दो रियल वर्ल्ड को एग्जांपल्स जो हैं या प्रॉब्लम्स जो हैं वो अल्फ़ाज में एक्सप्रेस किए होते हैं टू अस एज प्रोग्रामर्स वी हैव टू टेक दोज वर्ड्स and try to understand what the problem is. So the first thing we need to do is analyze the problem which is expressed as a word problem and then reduce it into its essence. Ki ji, kaha kya ja raha hai, manga kya ja raha hai. Once we have reduced it to its essence, we also would like to put a few examples there, haath se likh ke. कि जी अगर ये कह रहे हैं कि इस तरह से salary calculate करनी है तो उसका एक छोटा सा example बना लिया ये बाद में हमारे reference के लिए काम आता है उसके बाद हम उसको रिफाइन करते हैं उसका प्रोग्राम लिखते हैं फिर उसको टेस्ट करते हैं और फिर उसको रिव्यू करते हैं कि जी इसने ऑब्जेक्टिव मीट किए कि नहीं किए इन सारी चीज़ों को हमने एक आपको एक्सप्लिसिटली लिख के डिज़ाइन रेसिपी दी थी उसके अंदर एक मोटी मोटी चीज़ लिखी हुई थी पे अटेंशन टू डिटेल सो आई विल रिट्रेट अगेन टुडे वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशल पे अटेंशन टू तो डिटेल इस चीज़ को कभी मत भूलें कि जो हमारे कंप्यूटर्स हैं दे आर वेरी वेरी डम्ब मशीन्स ये एग्जैक्टली exactly वो करेंगे जो हम उनको बताएंगे ना वो एक आयोटा उससे ऊपर करेंगे काम ना उससे कम करेंगे सो इफ यू पे अटेंशन टू डिटेल द मशीन्स विल ओबे यू एंड दे विल डू वॉट यू वॉन्ट डू वंस वी हैड कवर्ड द डिजाइन रेसिपी वी वेंट ऑन एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट वेरिएबल्स वेरिएबल्स क्या थे हमने कहा कि जी कंप्यूटर्स में मेमोरी में हम नंबर स्टोर करते हैं लेटर्स कैरेक्टर्स एट्सट्रा स्टोर करना चाहते हैं तो इनके लिए कुछ डेटा टाइप्स होनी चाहिए डेटा टाइप्स होंगी लेकिन हम क्या मेमोरी लोकेशंस के साथ ही काम करते रहेंगे कि जी सौमी लोकेशन पे ये लिख दो एक लाखवीं लोकेशन पे ये लिख दो वी फाउंड इट वाज वेरी इजी इफ़ यू कुड यूज़ सिंबॉलिक नेम्स फॉर दीज लोकेशंस।

वो इंट भी है यानी होल नंबर्स और इंट की भी कुछ वैराइटीज़ हैं शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है और चंद लेक्चर्स पहले या फिर पिछले लेक्चर में हमने अनसाइंड की भी बात की थी ये सब होल नंबर्स हैं उसके बाद हमने कहा कि जी रियल नंबर्स भी होते हैं 1.23 अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें उसके लिए डेटा टाइप जो है वो फ्लोट की डेटा टाइप हमने इस्तेमाल की फिर कहा कि जी शॉर्ट इंट लॉन्ग दैट मीन्स छोटा नंबर है दरम्याने साइज़ का है बहुत बड़ा नंबर है तो इसके लिए ज़्यादा बाइट्स चाहिए सेम अप्लाइज टू रियल नंबर्स अगर हमारे पास फ्लोट है तो अगर बहुत बड़ा नंबर है तो कहाँ स्टोर करेंगे तो उसके लिए हमने डेटा टाइप इंट्रोड्यूस की डबल सो डबल इज़ अ वेरी लॉन्ग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यानी उसमें डेसिमल पॉइंट आता है उसके बाद हम गए चार के अंदर कैरेक्टर सो द कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर हमने कहा कि जी एक कैरेक्टर स्टोर हो सकता है टिपिकली हमारी मशीनों के ऊपर इंटीजर जो है वो चार बाइट्स लेता है कैरेक्टर जो है वो एक बाइट लेता है एंड सो ऑन सो कैरेक्टर के अंदर ए बी सी या ज़ीरो वन टू एज कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स के लिए हमने बताया था कि जी सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर कैरेक्टर लिखते हैं जीरो भी लिखते हैं अगर सिंगल कोट्स के अंदर है इट इज़ ट्रीटेड एज अ कैरेक्टर थोड़ा सा जंप करते हुए नॉट इन सीक्वेंस ऑफ द लेक्चर्स बट वैसे टू फॉर द सेक ऑफ यू नो लॉजिकल कनेक्टिविटी बाद में जाके मैंने आपको एस की टेबल भी इंट्रोड्यूस किया था वो इन्हीं कैरेक्टर्स की न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर तो ये नंबर्स हैं सारे एस की टेबल एंड द कैरेक्टर्स आर रिलेटेड सो यू शुड एक्सपेरिमेंट विद दोज यू हैव नोन वी नॉट गोइंग टू आस्क यू आई डोंट वांट यू टू लर्न द एस की टेबल बाय हार्ट बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट देन ये जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं इन फ्लोट चार इनको लेके हम आगे चले इनके साथ हमने कुछ मैनिपुलेशंस की, और फिर देखा कि जी इसके साथ कोई एग्रीगेशन कर सकते हैं कोई इनकी कलेक्शंस बना सकते हैं वो काफ़ी बाद में हमने इंट्रोड्यूस किया था लेकिन मेंशन करता चलूँ फिर हम ये आगे डिस्कस करते हैं वो कलेक्शंस का नाम था एरेज सो वी हैड कलेक्शंस ऑफ द सेम डेटा टाइप हैविंग गॉन थ्रू विद द वेरिएबल्स का पार्ट वंस वी हैड गॉटन द कॉन्सेप्ट कि जी एक मेमरी लोकेशन है उसमें हम कुछ डेटा लिखना चाहते हैं लेकिन इट इज़ ईजियर फॉर आस टू रेफ़र टू दैट लोकेशन बाई अ नेम अम्बोलिक नेम और वह नेम जो है इज़ ऑफ अर्टन डेटा टाइप बट नाम एज प्रोग्रामर हम उस लोकेशन को देते हैं और फिर उस नाम को इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ से जब हम आगे चले तो हमने फिर ऑपरेटर्स की बातें शुरू कर दी नंबर्स के लिए ऑपरेटर्स मेक अ लॉट ऑफ सेंस सो लेट एस टेक एट वॉट द ऑपरेटर्स वर वी स्पोक अबाउट नंबर्स वी सेड वी हैव प्लस वी कैन एड टू नंबर्स टूगेदर वी हैव माइनस वी हैव मल्टीप्लाई वी है डिवाइड एंड देन वी हैड अ स्पेशल ऑपरेटर कॉल्ड द मॉडुलस ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर देता है मैंने देखा है कि जी डिस्कशन बोर्ड के भी ऊपर कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है इनको ये क्लियर नहीं था कि जी मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है एक्सप्लिसिटली फिर से मैं बताता चलूँ जब भी आप कहते हैं ए मॉड बी तो उसका रिजल्ट ये होता है कि जी ए को बी के साथ डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आया है यानी होल नंबर को फेंक दो जो भी रिमाइंडर आया है दैट इज़ द रिज़ल्ट सो इफ से सेवन मॉड टू सो सेवन को टू से डिवाइड करें टू थ्रीज िक्स डर आंसर इज वन इफ आई से हंड्रड मॉड ट्वेंटी हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी रिमेंडर कितना हुआ ज़ीरो मॉडुलों का जो रिमेंडर होता है दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द मॉजुलस ऑपरेटर सो दैट वॉज एन अदर अरिथमेटिक ऑपरेटर सो अदर दैन द प्लस माइनस वगैरह मॉजुलस व इंटरेस्टिंग ऑपरेटर और इसको हमने इस्तेमाल भी किया कई प्रोग्राम्स में कई एग्जाम्पल्स के अंदर जहाँ पे हमने देखा कि जी इससे अगर हमने सिंपली एक नंबर की इवननेस या ऑर्डनेस डिटरमिन करनी हो तो इट्स अ यूजफुल ऑपरेटर अदर देन द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वी फाउंड और जो अभी मैंने आपके साथ बिट वाइज ऑपरेटर्स की बात की वही इनके साथ अप्लाई करते हैं कि जी वी हैड कंपाउंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सो वी कुड से प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू स्टार इक्वल टू स्लैश इक्वल टू एंड इवन मॉड्यूलोर इक्वल टू विच वॉज़ शॉर्ट हैंड फॉर सेंग अगर ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी लिखना है तो यू कोड राइट ए प्लस इक्वल बी काफ़ी शॉर्ट हैंड्स हैं लेकिन दे डू नॉट एड और डिट्रैक्ट फ्राम द बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट विच इज़ एन एडिशन ऑफ टू नंबर्स अब थोड़ा सा सिक्वेंसिंग ठीक करते चलें ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं तो अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पर आ गए हमने बहुत बाद में कवर किए थे लेकिन अभी बात करते चलते हैं इसके अंदर हमारे पास लॉजिकल एंड और और कनेक्टिवस थे जिनके अंदर आंसर ट्रू और फॉल्स आता था ए एंड बी का आंसर ट्रू या फॉल्स हो सकता है और इसको हम लिखते थे डबल एम्परस एंड साइन के साथ या डबल पाइप सिंबल के साथ हम और ऑपरेटर लिखते थे लेकिन जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे लॉजिकल वो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट कि जी आप इंटेग्रेशन शुरू कर दें जो कुछ आप पढ़ते जा रहे हैं उसको हॉर्जोंटली भी इंटेग्रेट करें देखें पिछले सेमेस्टर के अंदर आपने कैलकुलस वन पढ़ी थी उसके अंदर हमने आपको लाइन की डिविजन्स बताई थी जिसमें बताया था कि जी एक पॉइंट हो तो उससे इस तरफ को क्या कहते हैं दूसरी तरफ को क्या कहते हैं सो ऑन द सेम अप्लाइज हेयर जब भी हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी ए इज़ लेस दैन बी या हम कह देते हैं इज़ लेस देन इक्वल टू बी या हम कह देते हैं इज़ इक्वल टू बी फिर ग्रेटर दैन इक्ल टू और फिर ग्रेटर दैन ये याद रहे कि जी लिखना तो आसान है इन देंस कि जी हम जो ग्रेटर दैन साइन है या लेस दैन साइन है आपके की बोर्ड पर वही इस्तेमाल करते हैं सी और सी प्लस प्लस के अंदर सो वी राइट लेस दैन इक्वल टू इकट्ठा नो स्पेस इन द मिडल दैट बिकम्स द लेस दैन इक्ल टू ऑपरेटर वी राइट सिंपली लेस दैन अगर दो नंबर्स को कंपेयर करना हो इज़ एक्ल टू बी तो फिर हम डबल इक्वल टू साइन इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर मैं फिर वार्निंग देता चलूँ प्लीज़ डू नॉट कन्फ्यूज़ द डबल इक्वल टू साइन विद द सिंगल इक्वल टू साइन पे लैंग्वेज हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करती है प्रॉब्लम क्या पैदा करती है कि जब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं सी के अंदर समथिंग लाइक ए इक्वल टू बी ये है तो असाइनमेंट स्टेटमेंट लेकिन मैंने मेंशन किया था कि जी असाइनमेंट स्टेटमेंट बज़ा ख़ुद की भी कोई वैल्यू होती है और वो वैल्यू वही होती है जो असाइनमेंट में इस्तेमाल हुई यानी ए इक्वल टू बी जो स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू इज़ द सेम एज द राइट हैंड साइड सो द स्टेटमेंट हैज़ अ वैल्यू ना इफ़ यू रिकॉल फ्रॉम आर इमीजिएटली प्रीवियस लेक्चर मैंने इफ़ के अंदर सिर्फ नंबर लिख दिया था इफ़ नंबर एंड सम और वो बिट वाइज ऑपरेटर के साथ इस्तेमाल किया था और मैंने ये कहा था कि जी उसको ट्रू या फॉल्स डिटर्मिन करने के लिए सी में इस्तेमाल होता है कि जी ज़ीरो है तो ये कर देना और नॉन जीरो है तो कुछ और कर देना अब प्रॉब्लम क्या आया कि अगर हमने इफ़ के साथ लिख दिया ए इक्वल टू बी सिंगल इक्वल टू हुई तो असाइनमेंट लेकिन क्योंकि उसका रिजल्ट आ रहा है एज अ नंबर विच इज़ जीरो और नॉन ज़ीरो इफ़ चल भी जाएगा इफ़ कोई डिसीजन ले भी लेगा एंड योर प्रोग्राम विल ऑल्सो रन बट लॉजिकली इट विल प्रॉबली बी रॉन्ग क्योंकि आप तो कर लिखना ये चाह रहे थे कि अगर ए और बी बराबर हैं तब ये करो तो बराबरी का जो चेक है द इक्वालिटी इज़ डबल इक्वल टू सो आई हैव रिपीटेड इट अनफ टाइम्स आई डोंट वांट यू मेक दिस मिस्टेक द कंपाइलर डज नॉट पिक अप दिस एरर इट इज़ अ सटल लॉजिकल प्रोग्रामिंग एरर इट इज़ नॉट अ सिंटेक्स एरर सो बी केयरफुल विद दैट एंड दैन वी वेंट ऑन टू द अदर साइड एंड वी सेट ग्रेटर दैन इक्वल टू उसको लिखते हैं ग्रेटर दैन और फिर इक्वल टू का साइन नो स्पेस एंड देन फाइनली क्लियरली ग्रेटर दैन इन सब कंपेरिजन ऑपरेटर्स के अंदर भी एक ओवरऑल राइडिंग क्लाज है जो मैं उसको स्ट्रेस करता चलूँ प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वैन यू यूजिंग कम्पेरिजन ऑपरेटर्स कि कोई केस मिस ना हो जाए ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन ईक्ल टू में एक फ़र्क है

एंड अ ग्रेटर दैन इक्वल टू एंड अ ग्रेटर दैन परस्पेक्टिव और फिर वही अगर आप स्ट्रेट लाइन को दिमाग में रखें कैलकुलस वाली को फॉर द सेक ऑफ कम्प्लीटनेस यू शुड ऑलवेज डिवाइड योर डोमेन इन टू टू रीजन्स अगर आप कहते हैं लेस दैन और इक्वल टू तो दूसरा रीजन इज़ ग्रेटर दैन अगर आप कहते हैं लेस दैन तो दूसरा रीजन इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू सो द डिविजन्स शुड बी वेरी क्लियर एंड दे शुड डिपेंड ऑन प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो उस वो क्या डिमांड करता है द फाइनल सेट ऑफ ऑपरेटर्स विच वी कवर्ड मच लेटर इन फैक्ट वी कवर्ड वेरी रिसेंटली व बिट वाइज ऑपरेटर्स उसके अंदर सिंगल एम्परस एंड फॉर द एंड ऑपरेटर विच इज़ अ बिट वाइज एंड नॉट अ लॉजिकल कनेक्टिव द सिंगल पाइप सिंबल फॉर द और ऑपरेटर अ बिट वाइज और उसके बाद हमने एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर दिया विच फॉर द कैरेट साइन वी हैड अ नॉट ऑपरेटर विच वॉज़ इन वर्जन ऑफ ऑल द बेट्स विच वॉज द टिल द साइन द नॉट ऑपरेटर इज़ यूनरी वो एक नंबर पर एक्ट करता है वेयर द एंड और एंड एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स इनको दो नंबर चाहिए ए एक्सक्लूसिव और बी एंड सवॉट सो ऑपरेटर्स हमने सारे इकट्ठे करके मैंने आपको थोड़े से एक्सप्लेन कर दिए जो अभी तक हमने पढ़े हैं इसके बाद हमने बहुत पहले राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स की बात की थी लेट मी अगेन रिव्यू दोज कंस्ट्रक्ट्स विद यू अब अगेन मैं अपने फिलॉसफी आपको बताता चलूँ आई डोंट वॉन्ट टू एवर आस्क यू एंड आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर कि जी किसने कहा था कि जनाब ये वाली कॉन्स्ट्रक्ट सफिशेंट हैं कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए वो मेरे व्यू में रटे की कैटेगरी में आ जाती है यू कैन ऑलवेज लुक एट अप वॉट इज इंपॉर्टेंट इज टू हैव द कॉन्सेप्ट कि जी कोई भी प्रोग्राम लिखना हो तो क्या क्या कंस्ट्रक्ट्स हों तो वो प्रोग्राम लिखा जा सकता है उसके अंदर हमने तीन कंस्ट्रक्ट्स का जिक्र किया था पहली थी सीक्वेंस यानी एक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी उसके बाद दूसरी होगी उसके बाद तीसरी होगी नॉर्मल सीक्वेंस सीकुनशल एक्जीक्यूशन ऑफ़ प्रोग्राम लाइन्स ये एक कॉन्स्ट्रक्ट गिनी जाती है दूसरी कॉन्स्ट्रकट हमने कहा था डिसीजंस चाहिए हमें So, we have to be able to make decisions if something is true, do something, otherwise, do something else. That was the if statement, and I will cover that in a little while. And the third construct was loops. Now, let us take a look at the if statement. If statement ka syntax was fairly simple. If, aage hamne parenthesis condition dal the Condition ka jawab hamesha ya true anachaye ya false anachaye. There इज़ नो थर्ड alternative. इफ दिस कंडीशन इज़ ट्रू यानी इसका जवाब ट्रू में आता है तो उसके बाद जो कोड का हिस्सा है वो एक्सीक्यूट होगा कोड का हिस्सा मैंने इस वास्ते कहा है कि जी वो एक लाइन भी हो सकती है या एक ब्लॉक ऑफ कोड भी हो सकता है मल्टीपल लाइंस। उसको हम ब्लॉक ऑफ कोड कैसे डिपेक्ट करते हैं हम उसके लिए ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स सो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी लाइनें हैं बेशक दस सफ़े आप लिखते हैं वो एक इफ़ स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा सारी लाइनें एक्सिक्यूट होंगी ब्रेसेस का इस्तेमाल इज़ वेरी क्रूशल टू अंडरस्टैंड बिकॉज सिंपल इंडेंटेशन कुछ भी नहीं करती आप ये इतना समझें कि हमने अगर एक स्टेटमेंट लिख दिया उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट इंडेंट करके लिख दिया तो प्रोग्राम का बिहेवियर बदल जाएगा जो इंडेंटेशन है जो हम टैब की या स्पेस छोड़ के करते हैं वो हमारे लिए है ताकि हम प्रोग्राम को पढ़ सकें और आसानी से समझ सकें लॉजिकली आप प्रोग्राम को एक लाइन में भी लिख सकते थे शुरू से लेकर कर आखिर तक और वो फिर भी वही काम करता सो बी अवेयर वेन एवर यू वॉन्ट एन इफ़ स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल टू एक्सिक्यूट मोर देन वन स्टेटमेंट इन द ट्रू पार्ट यू मस्ट इंक्लूड दो स्टेटमेंट्स विद इन ब्रेसिस कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज सिंपल इफ़ हो गया उसके बाद हमने कहा कि जी एक इसका वेरियंट यह आता है जी अगर ये चीज़ ट्रू है तो ये करना वरना ये करना सो वी हैड एन ऑल्टरनेटिव सो दैट वी यूज़ द कीवर्ड एल्स आई से द सेम थिंग अगेन एल्स के बाद अगर एक स्टेटमेंट है तो आप लिख दें काफ़ी है एक से ज़्यादा है तो फिर आप ब्लॉक बनाएं उसका ब्रेसेस के साथ एज अ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यू मे वॉन्ट टू यूज़ ब्रेसिस ऑल द टाइम कोई खर्चा नहीं आता एक बटन ही दबाना है And it is always correct, and it makes your program logically sound. So you might want to consider that. Whenever you if statement, only line the true part. Put it in braces. Once we had covered the if statement, we went on and saw that what happens when the conditions become complex. When the conditions become complex, we started using logical connectives. So we said, if A is greater than B and सी इज़ लेस दैन डी तो एंड के लिए हमने डबल एम्पस एंड विच इज़ अ लॉजिकल कनेक्ट वो इस्तेमाल किया दूसरी कम्प्लेक्सिटी ये आई कि जी अगर ये चीज़ ट्रू है और फिर कुछ काम करके और फिर एक और क्वेस्चन मार्क और फिर अगर ये चीज़ ट्रू है विच मैंट नेट्रक्चर्स नेस्टिंग के ऊपर भी हमने कहा जी आराम से नेस्ट करें एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट हो सकता है जिसके अंदर तीसरा हो सकता है एंड सो ऑन लेकिन फ्रॉम अ स्टाइलिस्टिक परस्पेक्टिव यू मस्ट बी रिलीजस अबाउट इंडेंटेशन पहला इफ लिख के उसके साथ जो कोड जाता है जो ब्लॉक है उसको एक लेवल इंडेंट कर दें ताकि देखने से ही कोड को आपको नजर आ जाए ये सारी लाइनें जो हैं ये इस इफ स्टेटमेंट को बिलोंग करती हैं अगर उसके इफ़ के अंदर एक दूसरा इफ़ शुरू करते हैं तो उसका हिस्सा सेकंड लेवल इंडेंटेशन कर दें सो यू शुड ऑलवेज बी एबल टू सी विजुअली आंखों के साथ आपको वो ब्लॉक्स ऑफ कोड नज़र आने चाहिए इसके साथ हमने आपको बताया कि जी इस स्टेटमेंट को पिक्टोरियली कैसे डिपिक्ट करते हैं और पिक्टोरियली हमने एक थोड़ा सा वेरिएशन ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट जो आपको किताबों में मिलता है उसके आपको इंट्रोडक्शन दी और उसके अंदर स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्टिंग जो है वो इंट्रोड्यूस की स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्टिंग के अंदर हमने जो कॉन्स्ट्रक्ट इस्तेमाल की हमने कहा जी हम सीधी लाइन जो है जो स्टार्ट और स्टॉप को जॉइन करती है उससे लेफ़्ट को कभी नहीं जाएंगे ओके एंड दे वॉज अ लॉजिकल रीज़न फॉर दैट कि जब हम कोड लिख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड से टाइप कर रहे होते हैं तो आप लेफ्ट मार्जिन से लेफ़्ट की तरफ नहीं जा सकते लेफ्ट मार्जिन मार्जिन इज़ द एज ऑफ द स्क्रीन जो भी करेंगे इंडेंटेशन वो राइट को होगी यानी प्रोग्राम शुरू होगा लेफ्ट मार्जिन से और ख़त्म होगा लेफ्ट मार्जिन पे अंदर इफ़ आता है राइट को इंडेंट होगा कोई लूप आती है राइट को इंडेंट होगी नेक्स्ट डे आएंगे दो दफ़ा इंडेंट हो जाएंगे तो हमने जो फ्लो चार्टिंग की टेक्निक आपको सिखाई और आपको कॉन्स्ट्रक्ट दिखाई और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे उसके एग्जांपल्स और फिगर्स पड़े हुए हैं उसके अंदर हमने कहा कि जी वी विल ऑलवेज इंडेंट लेफ्ट टू राइट वी विल नेवर हैव अ सिचुएशन जहाँ पे इफ़ का जो हम डायमंड बनाते हैं उससे दोनों तरफ को हम लाइनें निकालें कि जी ट्रू है तो इधर को जाओ फॉल्स है तो इधर को जाओ नो वी विल फॉलो द कॉन्स्ट्रकट विच इज़ इक्वलेंट टू द प्रोग्राम देट वी राइट उसका फ़ायदा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जब आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को फ्लो चार्ट में अक्स कर लेते हैं यू हैव ट्रांसलेटेड इट इंटू अ फ्लो चार्ट विच इज़ लाइक अ लॉजिकल डिपेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम दैन उस फ्लो चार्ट को देख के आप सीधा सीधा कोड लिख सकते हैं एंड इट इज़ अ वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस ये फ्लो चार्ट वाला हिस्सा इस कोड के बराबर है ये वाला हिस्सा इसके बराबर है ये इंडेंट हुआ हुआ है तो आपको कोड भी इंडेंटेड नजर आना चाहिए बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्निक गोइंग ऑन फ्रॉम द डिसजन स्ट्रक्चर्स वी सेट दे वॉज अ थर्ड कॉन्स्ट्रक्ट दैट वॉज नीडेड टू कम्प्लीट द पिक्चर एंड द थर्ड कॉन्स्ट्रक्ट वॉज वन ऑफ लूप्स सो आई जस्ट रिएट रेट टू राइट एनी प्रोग्राम यू नीड टू बी एबल टू डू सिक्वेंशियल एक्सिक्यूशन ऑफ कोड एक के बाद दूसरा यू नीड अ डिसीजन स्ट्रक्चर यानी इफ स्टेटमेंट के साथ आपका काम हो सके इफ समथिंग ट्रू देन डू समथिंग। और तीसरा कॉन्सेप्ट है लूप का किसी चीज़ को हम रिपीट कर सकें लूप के अंदर हमारे पास दो तीन वेरिएंट्स थे वो वेरिएंट्स जो हैं वो लैंग्वेज का हिस्सा हैं यानी सी में ये वेरियंट्स हैं दूसरी लैंग्वेज में शायद आपको ना वेरियंट्स मिलें एक ही लूप मिले लेकिन लूप ज़रूर मिलेगी अगर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो हमने एक लूप आपको पढ़ाई वो थी वाइल लूप उसका कॉन्स्ट्रक्ट सिंपल था वाइल सम कंडीशन इज़ ट्रू और फिर वही लॉजिकल कंडीशन है सो वाइल्ड ए इज़ ग्रेटर देन बी फिर हमने कहा उसकी बॉडी है जिसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एक्सीक्यूट होती हैं जो मैंने इफ़ के साथ बात की ब्लॉक ऑफ कोड की वही ही वाइल के लिए ट्रू है यानी एक स्टेटमेंट हो या उससे ज़्यादा हो इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि आप उन स्टेटमेंट्स को ब्रेसिस के अंदर इनक्लोज करें ताकि आपको ब्लॉक नज़र भी आ जाए और कभी आप इस शक में ना रह जाएं कि जी मैंने इंडेंट किया तो ये वाइल का हिस्सा बन गया इंडेंटेशन कुछ नहीं करती वाइल स्टेटमेंट के ऊपर थोड़े से सटल पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए थे वो आज फिर मैं रिपीट करता चलूं हमने कहा था कि जी अगर कंडीशन पहली दफ़ा ही फॉल्स हो जाए तो वाइल स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एक्सीक्यूट नहीं होंगी और उसका दूसरा तरीक़ा कहने का ये था कि अ वाइल स्टेटमेंट एक्सीक्यूट्स जीरो और मोर टाइम्स सो इट एक्सीक्यूट्स जीरो और मोर टाइम्स द नेक्स्ट वेरिएशन ऑफ द लूप दैट वॉज अवेलेबल टू आस वॉज अ डू वाइल, ऊपर डू लिखा ब्रेसेस खोले अंदर स्टेटमेंट्स लिखी ब्रेसेस बंद किए फिर लिखा वाइल और फिर लिखा कंडीशन इसको अगर हम आसान जबान में बताएं तो हम कह रहे हैं कि ये काम करो जब तक ये कंडीशन ट्रू है अब इस कॉन्स्ट्रक्ट को अगर आप देखें तो हमने पहले कह दिया कि यह काम करो और फिर जाके कहा है कि जब तक ये ट्रू है दैट मीन्स दैट दिस कॉन्स्ट्रक्ट द स्टेटमेंट्स इन साइड द डू विल एक्सीक्यूट एट लीस्ट वंस वाइल के अंदर दे मे एक्सीक्यूट जीरो टाइम्स विच मीन्स कि वाइल कभी भी नहीं चला टेस्ट किया और साथ ही हम आगे जंप लगा के चले गए डू वाइल के अंदर एक दफ़ा कम अज़ कम ये स्टेटमेंट्स एक्सिक्यूट होंगी फिर टेस्ट होगा टेस्ट फेल हो गया तो लूप से बाहर आ गए अगर टेस्ट फेल ना हुआ तो लूप के अंदर रहे तीसरी जो लूप की कंडीशन थी वो फॉर लूप थी फॉर लूप जो है वो हमारे लिए एक किस्म का ब्रेड एंड बटर बन जाती है कि इट इज़ शॉर्ट हैंड जो दो तीन चीज़ों को इकट्ठा कर देती है फॉर का सिंटेक्स जो था उसके अंदर हमने एक इनिशलाइजेशन कंडीशन लिखी सो so फॉर के बाद पैरथिस के साथ हमने कहा यहाँ से शुरू करो सेमीकोलन डाला फिर टर्मिनेशन कंडीशन बताई कि लूप ख़त्म कहाँ पे होगी और कहा यह टर्मिनेशन कंडीशन है इस वक्त तक ये करते रहना और फिर सेमीकोलन लगा के फिर हमने कहा कि लूप को इंक्रीमेंट कैसे करना है जब एक दफ़ा लूप चल गई तो वापस शुरू आने से पहले शुरू करने से पहले आप क्या करें सो so, सिंपल चीज़ की अगर गिनती करनी थी तो हम कहते थे फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो द इनिशलाइजेशन आई लेस दैन टेन विच मीन जब तक आई टेन से कम है आई प्लस प्लस विच वॉज येट एन अदर शॉर्ट हैंड फॉर आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन देखें अगर ये इतना कॉमन कॉन्स्ट्रक्ट है कि इसके लिए सी में हमारे पास दो तीन शॉर्ट हैंड्स बन गए वी कूड हैव रिटन आई इज इक्वल टू आई प्लस वन वी क्व है आई प्लस इक्वल वन एंड दिस वन इज़ द मोस्ट एलिगेंट वी जैसे आई प्लस प्लस ये फॉर के पैरेंथिस के अंदर कंडीशन आ गई उसके बाद फिर वही बात के ब्रेसिस डालें और उसके साथ जो कुछ करना है स्टेटमेंट्स जो हैं वो उन ब्रेसिस के अंदर लिख दें एज ऑलवेज द ब्रेसिज आर नॉट रिक्वायर्ड अगर फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट चलानी है बट फॉर लॉजिकल कंप्लीटनेस एंड टू मेक श्योर देट यू नेवर मेक अ प्रोग्रामिंग एरर आप ब्रेसिस डाल दें ताकि वो ब्लॉक क्लियरली नज़र आ जाए किताबों में एग्ज़ाम्पल्स में आप देखेंगे कि जी फॉर के सामने ब्रेस शुरू किया है फिर नीचे स्टेटमेंट्स हैं विच आर इंडेंटेड वन लेवल और फिर नीचे ला के ब्रेस बंद किया है जो कि फॉर की लाइन के अंदर है किसी और किताब में आप देखेंगे तो आप देखेंगे फॉर की पूरी लाइन लिख के ब्रेस भी फॉर के नीचे से शुरू किया है कर्ली ब्रैकेट और फिर इंडेंट करके ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है स्टाइल इशू है जो आपका दिल करता है वो इस्तेमाल करें मेक श्योर दैट यू डू फॉलो द इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट बिकॉज इट मेक्स लाइफ अलॉट ई ईजी वैन यू हैव टू लुक एट यूर कोड एंड टू ट्राइ एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने वो छः महीने पहले क्या लिखा था और वही इंडेंटेशन जो है आपके फ्लो चार्ट वाले अनिलिस के साथ बहुत अच्छी तरह टाइप करती है यहाँ से जब हम आगे चले बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट्स आ गए हमने कहा जी सिक्वेंसेज डिसीजनस एंड लूप्स डिसीजनस को कम्प्लीट करने के लिए मैं वो भी बताता चलूँ कि हमने एक स्विच स्टेटमेंट भी कवर किया था जहाँ पे कहा था कि अगर मल्टी वे डिसीजन करना हो अगर ये वैल्यू वन है तो ये करो अगर टू है तो ये करो अगर थ्री है तो ये करो एंड सो ऑन वो नेस्टेड इफ्स के साथ भी हो सकता है अलहदा अलहदा इफ स्टेटमेंट के साथ भी हो सकता है लेकिन सी आपको स्विच स्टेटमेंट भी देती है स्विच स्टेटमेंट के ऊपर कुछ लिमिटेशंस थी लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है कि हर केस के साथ आपको ब्रेक लगाना लाजमी है अगर ब्रेक नहीं लगाते तो जो भी केस ट्रू हुआ उसके बाद वाला सारा कोड एक्सिक्यूट हो जाएगा सो बी केयरफुल व्हेन यू यूज़ द स्विच स्टेटमेंट द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती थी वो जहाँ पे आई स्विच से आप बाहर आ गए उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स नहीं इस्तेमाल होती आप जंप करके बाहर आ जाते हैं वो इन अ वे थोड़ा सा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के रूल्स के ख़िलाफ़ जाता है लेकिन इट इज़ सो एलिगेंट एंड सो यूजफुल कि ब्रेक जो है वो लूप्स में भी चलता है कि लूप चल रही है और आप सडनली कहते हैं ये कंडीशन होगी लूप को रोक दो तो आप ब्रेक करके बाहर आ जाते हैं ओके नॉट ऑलवेज़ यूज बट समाइम्स इट्स वेरी यूजफुल द सेम अप्लाइज लूप के हवाले से टू अ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कि आप लूप की बॉडी के अंदर कोई काम कर रहे हैं कोई कंडीशन आई जहां आपने कहा अब बाकी लाइनें एक्सीक्यूट नहीं करनी लूप फिर से शुरू कर दो तो वहां कॉन्टिन्यू लिख दिया तो जंप करके लूप दोबारा से शुरू हो गई सो so, ये छोटे छोटे कॉन्स्ट्रक्ट हमने कवर किए थे उसके बाद हमारा रुख चला गया थोड़े से बड़े प्रोग्राम्स की तरफ जब हमने कहा कि जी प्रॉब्लम का जो स्कोप है वो ज़रा बड़ा हो जाता है कि अगर हम अगर एक रूल ऑफ थंब ही लेना है कि जी हम अगर कोड लिखने लगें तो कई सफ़ों पे चलेगा तो उसके लिए फिर हमने कहा कि ठहर जाएं लंबा चौड़ा गंभीर प्रोग्राम ना लिखें जिसको समझने में प्रॉब्लम हो उसको डिबर्ग करने के अंदर भी प्रॉब्लम हो एंड सो ऑन लेट्स ट्राई टू ब्रेक इट अप इन स्मॉलर पीसेस C एंड C प्लस प्लस इन स्मॉलर पीसिस को फंक्शंस कहती हैं फंक्शंस जो हैं दिस इज़ अ वे ऑफ मॉड्यूलराइजिंग योर कोड सो यू टेक अ बिगर प्रॉब्लम एंड यू ब्रेक इट अप इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स कोई पक्का रूल ऑफ थंब नहीं है लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि जी एक फंक्शन जो है ना वो एक स्क्रीन से बढ़ाना हो हर दफ़ा पॉसिबल नहीं होता लेकिन कई दफ़ा फंक्शन दो लाइनों के भी बन जाते हैं कई दफ़ा दस लाइनों के भी बन जाते हैं लेकिन एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम लिखने की बजाय उसको लॉजिकली डिवाइड कर लिया जाता है वेन वी स्टार्टिड टॉकिंग अबाउट फंक्शंस वी स्टार्टिड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट अन अदर सटल थिंग एंड देट वॉज कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस अगर उसका आपको याद हो तो सी का डिफॉल्ट जो है वो कॉल बाई वैल्यू है वट डज दैट मीन इट मीन्स कि जी अगर आप कोई फंक्शन कॉल करते हैं और उसको कोई पैरामीटर्स पास करते हैं तो कॉलिंग प्रोग्राम पैरामीटर्स की वैल्यू उस फंक्शन को भेजती है वो फंक्शन उस वैल्यू के साथ जो मर्जी करता रहे ओरिजिनल वैल्यूज़ को कुछ नहीं होता वो इंटैक्ट पड़ी रहती हैं सो इट इज़ क्वाइट सेफ़ इन देंस दैट ऑल द डिफॉल्ट फंक्शन कॉल्स आर कॉल बाई वैल्यू ऑन द अदर हैंड कई दफ़ा हम चाहते हैं कि जी ये नंबर या ये वेरिएबल जो है ये फ़ंक्शन को भेज दो फंक्शन उसके साथ जो भी करे वो हमें कॉलिंग प्रोग्राम के अंदर चेंज नज़र आए उसके लिए हम कॉल बाय रेफरेंस इस्तेमाल करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस के लिए मेकनिज़म जो था वो हमारे पास पॉइंटर्स का था वो मैं अभी थोड़ी देर में उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा बट ये याद रहे कि फंक्शन कॉल करते वक्त कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू दो मुख्तफ़ टेक्निक्स हैं और डिफॉल्ट जो है फॉर ऑर्डिनरी वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड बाई वैल्यू नंद लेस फंक्शंस का पूरा कॉन्सेप्ट जो था वो ये था कि जी एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तकसीम करने का और हमने फिर टॉप डाउन डिज़ाइन मैथडोलॉजी का भी जिक्र किया कि जी कैसे हम एक प्रॉब्लम को दूर से देखते हैं उसके मेजर पोर्शन आइडेंटिफाई करते हैं फिर पोर्शन को देखते हैं उसके हिस्सों को आइडेंटिफाई करते हैं फिर हिस्सों को देखते हैं और अगर वो छोटे हैं तो उनके लिए फंक्शन लिख देते हैं सो दे वॉज अ टॉप डाउन डिज़ाइन मैथडोलॉजी वंस वी हैड प्लेड विद फंक्शन एंड डन सम फंक्शन कॉल्स वी मूवड ऑन एंड वी लुक एट अरेज अरेज का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इट्स अ वे ऑफ डिपेक्टिंग एक ही किस्म का डेटा अगर उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ हम रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम अरेज़ डिक्लेयर कर लेते हैं अगर आपको याद हो बिगिनिंग में हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको दिए और आपसे करवाए भी असाइनमेंट्स भी करवाईं जिसके हमने कहा कि समथिंग लाइक like कि जी चार शहरों का टेम्परेचर दस स्टूडेंट्स हैं उनकी एज एंड सो ऑन विदाउट एरेज हमें दस टू दस एज रखने के लिए दस मुख्तलिफ वेरिएबल्स बनाने पड़ते अब वेरिएबल्स का सारों के अंदर हमने एक ही किस्म का डेटा रखना है यानी डेटा विल बी डिपिक्ट एज उसके लिए एरेज आर वेरी यूजफुल सो वी वुड हैव डिक्लेरड एन एरे ऑफ टेन इंटेज और रियल नंबर्स एंड वी वुड हैव कॉल्ड इट एज उसके अंदर इंडेक्सिंग की टेक्निक थी कि जी तीसरा एलिमेंट कैसे हासिल किया जाता है चौथा कैसे हासिल किया जाता है और जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है सी और सी प्लस प्लस में एरेज जो हैं उनका इंडेक्स ज़ीरो से शुरू होता है सो so, अगर दस नंबरों की एरे है तो द फर्स्ट नंबर विल बी ए या अगर ए हमारी एरे है तो इट विल बी ए ऑफ़ ज़ीरो लिखा जाता है ए स्क्वायर ब्रैकेट ज़ीरो स्क्वायर ब्रैकेट वो पहला नंबर होगा और दस नंबरों की ए का आखिरी नंबर जो है वो ऑफ नाइन होगा नॉट ऑफ टेन दूसरी लैंग्वेज में फॉर एग्ज़ाम्पल फोर्थ्रेन है वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग करती है सो so पहला एलिमेंट इज़ एक्स ऑफ वन और आखिरी एलिमेंट इज़ एक्स ऑफ टेन सी एंड सी प्लस डू सी प्लस प्लस डू ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग ये चीज़ याद रखनी चाहिए इसी वास्ते अगर आप इसको लिंक करें वापस अपनी फॉर स्टेटमेंट के साथ तो अगर आप किताब में भी एग्ज़ाम्पल्स देखें तो आप बार बार देखेंगे कि जी सी प्रोग्रामर जो हैं वो लिखते ही इस तरह हैं फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस देन सम नंबर और अगर एरे के इंडेक्स को देखें तो वो भी ज़ीरो से शुरू हो रहा है एंड लेस देन सम नंबर द नंबर बींग द साइज़ ऑफ द एरे सो फॉर लूप एरे की प्रोसेसिंग के अंदर काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है दे लॉजिकली गो टुगेदर एरेज का जब हम जिक्र कर रहे थे तो हमने बात की कि जी वन डायमेंशनल एरेज होती हैं जो अभी हम बात कर रहे थे लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरेज भी हो सकती हैं जिसके लिए हम उनकी डिक्लेरेशन देते थे कि जी एक स्क्वेयर ब्रैकेट में पहली डायमेंशन दे दें दे, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट पेयर के अंदर दूसरी डायमेंशन दे दें एंड सो ऑन सी जो है या सी प्लस प्लस जो है एरेज को मेमोरी के अंदर रो मेजर ऑर्डर के अंदर स्टोर करती है यानी पहले पूरी की पूरी पहली रो स्टोर हो जाती है उसके बाद दूसरी रो स्टोर हो जाती है उसके बाद तीसरी एंड सो so ऑन क्योंकि ये इस तरह से स्टोर होती हैं इस वास्ते अगर आपको दूसरी रो का पहला एलिमेंट हासिल करना हो तो आपको कितने नंबर जंप करने पड़ेंगे उतने नंबर्स जितनी पहली रो में कॉलम्स हैं ये जो मैंने अभी आपको इश्यू बताया है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है वेन वी आर पासिंग एरेज टू फंक्शंस उनको बताना पड़ जाता है कि जी एक रो में कितने कॉलम्स हैं नॉर्मली हम अखीर वाला इंडेक्स जो है उसको ज़रूर बताते हैं और अलग से एरे का साइज भी पास कर देते हैं सो so, एरेज के अंदर एक और शटल्टी आती है वो ये आती है कि जब आप फंक्शन कॉल्स कर रहे हैं और उसके अंदर एरेज को पास कर रहे हैं नाउ इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डायमेंशन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पासिंग एरेज टू अ फंक्शन तो जो मैंने पहले कहा कि जी डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है सी और सी प्लस प्लस का कि फंक्शन कॉल्स आर मेड कॉल बाय वैल्यू इन द केस ऑफ एरेज इट इज़ ऑलवेज अ कॉल बाय रेफरेंस सो इफ यू पास एन एरे टू अ फंक्शन और उस एरे के अंदर आप कोई वैल्यूज़ तब्दील करते हैं तो जो कॉलिंग प्रोग्राम है जिसने एरे भेजी थी उसकी एरे के अंदर भी वैल्यूज बदल जाती हैं सो बी क्लियर विद दैट दैट वेन यू पास ऑर्डनरी वेरिएबल्स टू अ फंक्शन द डिफॉल्ट बिहेवियर इज़ कॉल्ड बाई वैल्यू बट वेन यू पास एन एरे टू अ फंक्शन द डिफॉल्ट बिहेवियर चेंजेस इट बिकम्स अ कॉल बाय रेफरेंस ओके नाउ अरे इज़ व वेरी यूजफुल एंड देन वी डिड सम एग्जाम्पल यूजिंग मेट्रिस एट्सेट्रा और आपको फिर एक्सरसाइजिज भी कराई और मैंने बार बार ताकिद की कि अपने लिए प्रोग्राम्स लिखें मैट्रिक्स पढ़ने का उसके नंबर्स को ऐड करने का कॉलम्स का रोज का मैनिपुलेशन ठीक है ना ऑल ऑफ दिस स्टफ बट एरेज आर नॉट जस्ट फॉर डूइंग मैथमेटिक्स और डूइंग लीनियर एल्जब्रा एरेज बहुत सारे और काम आते हैं कि जी वही स्टूडेंट की एजज स्टोर करनी है वो एरेज में आ जाएंगे आपके नाम हैं वो एरे के अंदर आ जाएंगे आपके ग्रेड्स हैं किसी कोर्स के वो एरे के अंदर आ जाएंगे हम चाहते हैं कि जी आपकी क्लास का जो है ओवरऑल एवरेज निकालनी है या ग्रेड पॉइंट एवरेज निकालनी है इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस के जी एरे में इंडिविजुअल ग्रेड्स डाल दिए जाएँ लूप चला के उनकी एवरेज निकाल ली जाए सो अ वेरी यूजफुल कंस्ट्रक्ट एंड एस्पेशली व्हेन यू कंबाइन इट विद लूप्स नॉर्मली इट इज़ वेरी वेरी रेयर कि आपको एरे नज़र आए किसी प्रोग्राम में और उस एरे को मैनिपुलेट करने के लिए लूप इस्तेमाल ना हो रही हो एरेज एंड लूप्स आर इंट्रिकेटली लिंक्ड सो एवरी टाइम वी हैव एन एरे वी नॉर्मली यूज़ अ लूप जहाँ मैंने बात की थी इफ़ स्टेटमेंट की मैंने कहा था जी इफ स्टेटमेंट को नेस्ट किया जा सकता है तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ़ हो सकता है अब अगर देखें एरे को प्रोसेस करने के लिए मैंने कहा है, हम लूप्स इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली अगर एक से ज़्यादा डायमेंशनस हों एरे की सो so रोज़ भी हैं और कॉलम्स भी हैं फिर क्या करेंगे तो वो फ वाली बात पे अप्लाई हो जाती है कि जब नेस्टेड लूप्स इस्तेमाल होने लग पड़ती हैं नेस्टेड लूप्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट, सो यू कैन अ वाइल्ड लूप इनसाइड अ वाइल लूप यू कैन अ फॉर लूप इनसाइड अ फॉर लूप एंड सो ऑन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जनाब वाइल के अंदर वाइल ही हो सकता है वाइल के अंदर फॉर भी हो सकता है वाइल के अंदर कोई और कॉन्स्ट्रक्ट भी हो सकती है इन अदर वर्ड्स वाइल के अंदर इस स्टेटमेंट भी आ सकती है इफ़ स्टेटमेंट के अंदर वाइल्ड लूप भी आ सकती है फोर लूप के अंदर वाइल्ड लूप आ सकती है डू वाइल के अंदर इफ स्टेटमेंट एंड सो ऑन सो फोर सो नेस्टिंग इज क्वाइट अलाउड एंड नेस्टेड नेस्टेड लूप्स एंड इफ स्टेटमेंट्स आर क्वाइट कॉमन इसके बाद सी और सी प्लस प्लस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वॉज अ टॉपिक ऑफ पॉइंटर्स वो हमने डिस्कस किया पॉइंटर्स ज़रा से ट्रिकी हैं लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है इट इज़ अ डिफ़रेंट टाइप ऑफ वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू की बजाय उसका एड्रेस स्टोर किया जाता है सो द मेमरी एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल इज़ स्टोर इन अ पॉइंटर एंड पॉइंटर्स को मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको दिया था वो दिया था फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ कॉल बाय रेफरेंस इन अदर वर्ड्स अगर हमने दो नंबर्स को फॉर एग्ज़ाम्पल आपस में इंटरचेंज करना है और वह मैं इंटरचेंज करना चाहता हूँ एक फंक्शन कॉल के ज़रिए तो अगर मैं सिर्फ़ वो दो वेरिएबल्स भेज देता फ़ंक्शन में तो सी के रूल्स के मुताबिक वो कॉल बाय वैल्यू हो जाती वो वहाँ पे तो इंटरचेंज हो जाते लेकिन आप जब वापस आते तो अपनी अपनी जगह पे ही मिलते अब इंटरचेंज करने के लिए हम कहते हैं कि जी इन नंबर्स को वहाँ मत भेजो पर इनका पता भेज दो ये नंबर जो है ये पहले डब्बे में पड़ा हुआ है तो हमने पहला डब्बा उधर भेजा यानी उसका एड्रेस भेजा और ये नंबर जो है किसी और मेमोरी लोकेशन पे है उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस भेज दिया फंक्शन में जाके हमने कहा कि जी अब इनको आपस में इंटरचेंज करने के लिए पॉइंटर्स इस्तेमाल करो विच वॉज द एड्रेस सो वी डिड समथिंग लाइक वॉट एवर दिस पॉइंटर पॉइंट्स टू वहाँ पर ये लिख दो अब हम वेरिएबल नहीं इस्तेमाल कर रहे हम कह रहे हैं कि जी वो जो डब्बा जिसका एड्रेस यहाँ पड़ा है उसमें ये वैल्यू लिख दो जब हम वापस आएंगे तो जो हमारे वेरिएबल्स थे वो तो उन्हीं एड्रेसेस के नाम थे सो so हमें पता चलेगा जी वैल्यूज़ बदल चुकी हैं सो पॉइंटर्स वेरी यूजफुल and then we also saw that pointers and arrays were very intricately linked the only difference was array ka apna naam jo hai that turned out to be a pointer because array by its very nature you understand ke array ka naam jo hai wo variable to hai, nahin. hai it is depicting maybe 10 numbers maybe 100 numbers maybe a 1000 names or whatever so the name of the array is something special वॉट वी डिस्कवर्ड वॉज दैट समथिंग स्पेशल वॉज अ पॉइंटर फर्क ये है कि पॉइंटर वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट कर सकते थे लेकिन एरे के नाम को हम इंक्रीमेंट नहीं कर सकते इट्स अ कॉन्स्टेंट पॉइंटर इट ऑलवेज पॉइंट्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इन द केस ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेज इट पॉइंट टू द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सो दीरोमेंट समझ लें टॉप लेफ्ट थ्री डायमेंशनल एरे हो तो समझ लें क्यूब बनी हुई है उसके टॉप सामने वाले कोने को पॉइंट कर रहा है एंड सो ऑन बाकी फिर थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल हो जाता है पॉइंटर्स और उनकी अरिथमेटिक कवर करके फिर हमने कुछ फाइल्स और उनके इनपुट आउटपुट सिस्टम की बात की सिक्वेंशल फ़ाइल्स रैंडम फाइल्स एंड वी सॉ इन अ मिक्सचर ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस वी सॉ के जी फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है और सिक्वेंशल और रैंडम फाइल्स किस तरह एक्सेस की जाती हैं वहाँ पर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन वर सीक एंड जो है टेल ठीक है सीख से हम फाइल के अंदर पोजीशन चेंज कर लेते थे हम कहते थे यहाँ से उधर चले जाओ और टेल से हम पता कर लेते थे कि इस वक्त हम फाइल में कहाँ बैठे हुए हैं और फाइल्स को ओपन और क्लोज करने के हमने कई तरीके देखे अब आई हैव जस्ट बेसिकली रिव्यूड ऑल ऑफ द स्टाफ कवर्ड सो फार वाट आई वॉन्ट टू डू वॉट यू टू डू इज़ टू गो विद अ वेरी क्लियर हैड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट वी विल ट्राई टू फ्रेस क्वेश्चन डेट डिटर्मिन कि आपने आज तक सीखा क्या है ये नहीं हमें उस चीज़ से गर्ज में रिपीट करता हूँ फिर से पहली वाली बात वी डोंट वॉन्ट टू कैच यू आउट कि आपको क्या चीज़ नहीं आती ठीक है देर लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर ऑल ऑफ़ अस टू लर्न बट फॉर द मोमेंट आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक्स और मिड टर्म के बाद जो हिस्सा है कोर्स का देट इज़ गोइंग टू बी रादर एक्साइटिंग उस वक्त तक इजाजत दीजिए and good luck to you all khuda hafiz